वेलकम टू वेब एकेडमी। मैं हूं आपकी ट्यूटर मारिया। आज मैं आपको एमएस एक्सेल 2021 में पढ़ाने जा रही हूं कि एक्सेल में किसी भी फाइल को अगर आप पासवर्ड अप्लाई करते हैं तो वो पासवर्ड अगर आप भूल जाते हैं या आपके पास वो पासवर्ड आपसे लॉस्ट हो जाता है तो वो पासवर्ड आप किस तरह से रिकवर कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर रहते हुए किसी भी फाइल पे कुछ डाटा टाइप करते हैं, करने के बाद हम पासवर्ड अप्लाई करते हैं और बाद में वो पासवर्ड हम भूल जाते हैं, उस पासवर्ड को आपने किस तरह से रिकवर करना है। जैसे कि यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, करने के बाद यहाँ पे रहते हुए मैं कुछ डाटा टाइप करती हूँ, नेम टाइप करते हैं और टैब का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेल पे हम यहाँ पे रहते हुए फादर्स नेम ऐड करते हैं इस तरह से। फिर आपने यहाँ पर टैब का यूज़ करना है, फादर्स नेम ऐड करना है आपने, फिर आपने टैब का यूज़ करना है। यहाँ पर रहते हुए हम कुछ सब्जेक्ट्स टाइप करते हैं इस तरह से और बायोकेमिस्ट्री। ये जैसे कि ये डाटा आपने यहाँ पर कंप्लीट अपना टाइप कर लिया है। करने के बाद आप यहाँ पे रहते हुए इस फाइल को आपने सेव करना है और पासवर्ड अप्लाई करना है। तो आपने इसके लिए क्या करना है कि आप फाइल पे क्लिक करेंगे, करने के बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे, फिर आपने यहाँ ब्राउज पे क्लिक करना है और यहाँ पर रहते हुए आपने वो प्लेस सेलेक्ट करनी है जहाँ पर आप अपनी फाइल सेव करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर रहते हुए जैसे कि मैं ये डेस्कटॉप सेलेक्ट करती हूँ, करने के बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं और हमने फाइल को नेम देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर फाइल 1 लिख देती हूँ। करने के बाद आपने यहाँ पर रहते हुए इस फाइल को पासवर्ड भी अप्लाई करना है, तो आपने टूल्स के ऑप्शन पे आकर यहाँ पर रहते हुए आपने जनरल ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके पास इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जनरल ऑप्शन का, और फिर यहाँ पर रहते हुए आपने पासवर्ड अप्लाई करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर FEE टाइप करती हूँ, फी, आपने यहाँ पे FEE टाइप करना है और इसे ओके करना है। फिर आप टाइप करेंगे FEE ओके, FEE और फिर आपने यहाँ पे ओके, और फिर आप यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पासवर्ड और फाइल यहाँ पर सेव हो जाएगी इस तरह से। इस तरह से फाइल को पासवर्ड अप्लाई करने के बाद आप फाइल को सेव करते हैं। करने के बाद हम यहाँ पर रहते हुए फाइल को यहाँ पे क्लोज करते हैं और इस तरह से हमारे पास फाइल क्लोज हो जाती है। अब आप इस फाइल को दोबारा ओपन करना चाहते हैं तो आपने फाइल पे क्लिक करना है और ओपन पे क्लिक करेंगे। तो रिसेंट में हमारे पास ये फाइल फर्स्ट थी, तो हम इस पे क्लिक करते हैं, देखें हमारे पास पासवर्ड यहाँ पे शो होता है। जब तक हम यहाँ पर पासवर्ड अप्लाई नहीं करेंगे हमारे पास ये फाइल ओपन नहीं होगी। जैसे कि मैं यहाँ पर FRR टाइप करती हूँ और ओके करते हैं तो हमारे पास ये पासवर्ड रॉन्ग है, हमारी फाइल ओपन नहीं होती और हमें ये पासवर्ड यहाँ से भूल चुका है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर रहते हुए अपना नेट कनेक्ट करना है। इस तरह से आप यहाँ पर जाके अपना नेट कनेक्ट करेंगे, करने के बाद आपने गूगल ओपन करनी है। फिर यहाँ पे रहते हुए आप टाइप करेंगे लॉस्ट माय पास, आपने इस तरह से टाइप करना है और फिर कीबोर्ड से आपने एंटर प्रेस करना है। तो आपके पास इस तरह से ये देखें एक्सेल पासवर्ड रिकवर पे आपने क्लिक करना है, तो आपके पास एक्सेल पासवर्ड रिकवरी का यहाँ पर बॉक्स ओपन होगा। फिर यहाँ पर रहते हुए आपने आई एम अ नॉट रिबॉर्ड पे क्लिक करना है। करने के बाद देखें आपके पास ड्रॉप फाइल टू अपलोड और क्लिक हेयर, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। करने के बाद आपने यहाँ पर रहते हुए अपनी फाइल यहाँ से सर्च करनी है। इस तरह से यहाँ पे रहते हुए आप अपनी फाइल को यहाँ पे सर्च करेंगे। आपके पास फाइल 1 थी तो आपकी फाइल ये शो हो रही है, आपने फाइल 1 पे क्लिक करना है और ओपन पे क्लिक करेंगे। तो देखें विद इन फ्यू मिनट्स आपके पास यहाँ पर आपका जो पासवर्ड आपने अप्लाई किया था वो पासवर्ड यहाँ शो हो जाएगा। तो देखें आपके पास FEE, हमने जो पासवर्ड अप्लाई किया था वो हमारे पास ये था फी FEE। तो देखें आपके पास ये इस तरह से पासवर्ड शो हो जाता है। यहाँ पर रहते हुए आप इसी पासवर्ड को नोट करते हैं, करने के बाद आप यहाँ पर रहते हुए एक्सेल में जाते हैं और वही फाइल आप दोबारा से ओपन करते हैं। आपने फाइल पे क्लिक करना है, ओपन पे क्लिक करना है और यहाँ पर रहते हुए फाइल 1 थी आपके पास और यहाँ पर रहते हुए जो पासवर्ड आपको वहाँ शो हुआ FEE आप यहाँ पर टाइप करेंगे और जैसे ही ओके करेंगे तो आपके पास FEE दोबारा से आपने टाइप करना है। फिर ओके करते हैं तो आपके पास देखिए आपकी फाइल ओपन हो जाती है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि एमएस एक्सेल में रहते हुए किसी भी फाइल का अगर आप पासवर्ड आपसे लॉस्ट हो जाता है तो वो पासवर्ड आप किस तरह से रिकवर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।